अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। और मैं हूँ सहरेश जुहेब। ये सब होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने अमरीका को हरी झंडी दिखा दी। अमरीकी फौजी अड्डों से मुतालिक दो टोक मौकिफ दे दिया। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए अपने अड्डे और अपनी सरजमीन को अमरीका को इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगा। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद खित्ते में क़याम नियम की तमाम तर जिम्मेदारी का बोझ अकेले पाकिस्तान के कंधों पर नहीं डाला जा सकता। वहाँ दोबारा 90 की दिहाई जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तानियों और अफगानों ने इस जंग की भारी कीमत अदा की है। अफगानिस्तान और खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान एक शराकत दार है और तमाम शराकत दारों को बाहमी तआवुन से मिलकर ये जिम्मेदारी निभाना होगी। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मसला कश्मीर जैसे इशू जनूबी एशिया में मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम की राह में बड़ी रुकावट हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी को इस तरफ भी फौरी तवज्जो देनी चाहिए। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों के अज़्म हौसले के सामने घुटने टेक दिए। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली समेत दीगर मसाइल के हल के लिए ऑल कश्मीरी पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया है। मकबूजा कश्मीर में दोबारा फौजी नकलो हरकत नजर आ रही है। गैर मुसद्दी का इतलात के मुताबिक ये खदशात हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में मजीद गैर कानूनी इकदाम कर सकता है। भारत के मकबूजा कश्मीर के हवाले से गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम को पाकिस्तान मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने बोल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि इस सूरत हाल पर शदीद तश्वीश है। आलमी बिरादरी भारत को ऐसे इकदाम करने से रोके। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तवाजुन तब्दील करने के लिए इकदाम कर रहा है। वो कश्मीरियों को अपनी ही सरजमीन पर अकलियत में तब्दील करना चाहता है। ये आलमी कवानीन और अक्वामी मुतहदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में अमन के लिए तस्फिया तलब मसाइल का हल ज़रूरी है। इसमें मसले कश्मीर को बुनियादी हैसियत हासिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में दोबारा फौजी नकलो हरकत नजर आ रही है। गैर मुसद्दी का इतलात के मुताबिक ये खदशात हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में मजीद गैर कानूनी इकदाम कर सकता है। भारत के मकबूजा कश्मीर के हवाले से गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम को पाकिस्तान मुस्तरद करता है। जाहिद हफीज चौधरी ने बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए मजीद कहा कि इस सूरत हाल पर शदीद तश्वीश है। आलमी बिरादरी भारत को ऐसे इकदाम करने से रोके। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तवाजुन तब्दील करने के लिए कहा है। वो कश्मीरियों को उनकी अपनी ही सरजमीन पर अकलियत में तब्दील करना चाहता है। ये आलमी कवानीन और अक़वामी मुतहदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। हमने पहले भी भारत के जो भी इकदाम थे मकबूजा कश्मीर के हवाले से इलीगल और यूनिलैटरल, हमने उन्हें मुस्तरद किया। और अब भी जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में दोबारा एक जो है वो ट्रूप्स मूवमेंट नज़र आ रही है, और गैर मुसद्दिका अभी तक जो इतलात हैं उनके मुताबिक ये अप्रीहेंशन भी शो की जा रही है कि भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर फर्दर इलीगल स्टेप्स लेने की तरफ जा सकता है। फॉरेन मिनिस्टर ने एक खत के जरिए यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया है कि हम ये समझते हैं कि भारत इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के अलावा जो फर्दर गैर कानूनी इकदाम उठाने की तरफ जा सकता है उससे उन्हें रोका जाए। भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कश्मीरियों को उनकी अपनी ज़मीन पर ही माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन की भी क्लियर वायलेशन है, इसे हम भी मुस्तरद करते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। साउथ एशिया में पीस के लिए आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स की रेजोल्यूशन ज़रूरी है, और उसमें जो कोर इशू है दैट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट, उसका मुनसिफाना हल अक़वामे मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखकर इंतखाबी इस्लाहात पर तहफ्फुज़ात से आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत पार्लिमानी उमूर को बज़रिया ख़त लिखकर राबता किया और ये ख़त
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर को लिखा। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को इलेक्शन तरमीमी बिल पर एतराजात से तहरीरी तौर पर आगाह किया और तरमीम का मामला वजीर आजम इमरान खान के नोटिस में लाने का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन के खत के मुताबिक कौमी असम्बली से मंजूर करदा इलेक्शन एक्ट की कई शिकें आइन से मुतसादिम हैं। आबादी के बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की तजवीज़ आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि वोटर लिस्टों का इख्तियार आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का है और मुजव्वजा इलेक्शन एक्ट की 13वीं शिकें आइन से मुतसादिम हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के सीक्रेट की बजाय ओपन वोटिंग आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से नून लीगी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि इंतखाबी कवानीन को अपने एजेंडे के लिए बुलडोज करके अब आयन के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया गया है। इस अमल के खौफनाक असरात मुरतब होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा पीटीआई की नाअहल हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। मुल्क चलाने का रास्ता आइन है। राना सनाउल्ला कहते हैं 3 साल से इंतकाम के अलावा कुछ नहीं हुआ। एहतसाब का ड्रामा पूरी दुनिया में जलीलो खार हो चुका है। कोई भी एहतसाब पर एतमाद करने को तैयार नहीं। हुकूमत ने बुलडोज किया कौमी असेंबली से इलेक्टोरल लॉज को। अगर एक हुकूमत इंतखाबी कवानीन को तरमीम कर रही है, ऑपोजिशन तो कुजा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मुशावरत नहीं करती और अपने एजेंडे को यकतरफा तौर पे बुलडोज करके नाफिज करना चाहती है, ये एक नहायत खतरनाक मिसाल है। जो कौमी असेंबली के अंदर 3 दिन दंगल रहा वो भी आपके सामने है, और दंगल कराने वाले कौन थे? हुकूमत के मेंबरान और वज़रा स्पीकर की क़यादत में ये सब कुछ कर रहे थे। ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये बात असल में मुल्क में जमहूरियत पर वार है। साल में बात सवाए इंतकाम के, इंतकामी कार्रवाइयों के कुछ नहीं किया। अब कोई इस एहतसाब के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं। ये एहतसाब का ड्रामा जो है ये पूरी दुनिया में जलीलो खार हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती तरामीम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरीन रहमान कहती हैं इदारों के बीच खला और अदम एतमाद के मुल्क पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शीरी रहमान का अहम बयान, हुकूमत का इंतखाबी तरीका तस्लीम न करने का ऐलान। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेंटर शीरी रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 72 हुकूमती तरामीम में से 45 पर एतराजात उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 15 तरामीम को आइन और 5 को इलेक्शन एक्ट 2017 के मुतसादिम करार दिया है। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के एतराजात पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। शीरी रहमान ने कहा कि हुकूमती तरामीम सिर्फ 2023 इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश की अक्कासी करती हैं। इंतखाबी इस्लाहात एक इलेक्शन नहीं बल्कि सदियों के लिए की जाती है। इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों के तहफ्फुज़ात को दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ मुतहर्रिक इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर रबते शुरू कर दिए। बिलावर और मौलाना फजलुर रहमान से रबता, दोनों ने APC बुलाने की हिमायत कर दी। बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान से रबते के दौरान इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़रा के मुताबिक मुतनाज़ हुकूमती इलेक्शन बिल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कल बुलाई जाएगी। तारीख का तायुन तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। APC में अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम सियासी जमातों को मदु किया जाएगा। इलेक्शन की निगरानी और इसके अमल को जांचने वाली मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों को भी दावत दी जाएगी। कौमी असम्बली में हुकूमती टीम का लहजा नरम हो गया। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद ने अपोजिशन को तलखियां कम करने की दावत दे दी। कहा तलखियां कम करने का वक्त आ गया है, सियासी जमातों को इलेक्शन इस्लाहात पर मिल बैठना चाहिए। IMF के पास सभी जाते हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी ने कहा नैब और अदालती इस्लाहात पर तो बात करना चाहते हैं, ऐवान में आकर बात क्यों नहीं करते? साड़ी और मैंगो डिप्लोमेसी की आड़ में आपके खानदान ने भारत में अपने कारोबार को फरोग दिया। ये कुलभूषण पर एक FIR तक नहीं दर्ज करा सके।
IMF के पास कौन नहीं जाता, ऐसे ही हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। सभी लोग IMF के पास जाते हैं और ये मजबूरी होती है। ये जितने मसाइल पैदा हुए महंगी बिजली के मुआहदे किए, अगर इन महंगी बिजली के मुआहदों को रिकंसिडर कर लिया जाए तो ये सारे मसले अपनी मौत आप मर जाएंगे। पाकिस्तान में अगर बिजली सस्ती हो जाए तो बहुत सारे मसलों का हल हो जाएगा। और इमरान खान ने गुज़श्ता 3 साल में पूरी कोशिश की है और कर रहा है कि करप्ट और बेहिस और डिसऑनेस्ट सोसाइटी में एक बेहतरी की फजा पैदा की जाए। कश्मीर कमेटी तमाम एट लॉ फेयर पे कलभूषण की बात की, इनसे तो इतनी जरूरत नहीं हुई कि उस पर FIR काटते। कभी मोदी साहब को, कभी मैंगो डिप्लोमेसी, कभी साड़ी डिप्लोमेसी, ये जो सब आप कुछ कर रहे थे, और आज भी आपके खानदान के अफराद का कारोबार उनके साथ है। इस मुल्क की रियासती इदारों के हवाले से जब बात आती है आप क्यों खामोश रहते और फिर इल्जाम लगाते हैं, ये कौन सी हो बेवतनी है? अगर आप नैब के रिफॉर्म्स करना चाहते हैं पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते उनको एड्रेस करने के लिए?